तीन दिन के ऊपर ईद है, आप पूरी तरीके से हमारी ईद खराब करने के ऊपर लगे हुए हो। कभी बकरा नहीं कटना चाहिए, कभी ये नहीं कटना चाहिए, पाड़ा नहीं कटना चाहिए, कभी हम सेंटर नहीं देंगे, मतलब आप पूरी तरीके से हमारे त्यौहार की झक मारने के लिए लगे हुए हो। और अगर आज शाम में 4 बजे तक एरिया साफ नहीं हुआ, एरिया से मतलब पूरा भिवंडी है, अगर ये लोग वापिस नहीं आए तो सारे भिवंडी शहर के लोगों से मैं ये अपील करता हूँ, पूरे के पूरा जितना कचरा है वो लाके इस कॉर्पोरेशन गेट पे डालना चालू कर दो। ईद में तो हमको हिजरा भी बनाया गया कि आप हिजरे हो, आपने कुछ नहीं किया, अल्लाह माफ करे, मैं ये सेंटेंस यूज कर रहा हूँ। भिवंडी के आवाम ने हमें हिजरा बनाया है कि आपने भिवंडी में ईद के लिए जो मनाई की गई आप जिम्मेदार हो, किसी और की जिम्मेदारी हम पे डाली गई, मतलब नगर सेवक सिर्फ गाली सुनने के लिए बनाए। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भिवंडी में कचरों का अंबार लगा है, तो यहाँ पे जो हमारे निजामपुरा के कॉर्पोरेटर बाबा वाउद्दीन भाई, तो उन्होंने अपना आक्रोश दिखाने के लिए और मिशन के प्रति गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने यहाँ पे कचरा डाला है और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भिवंडी पूरा कचरा से भर चुका है, तो कॉर्पोरेशन की साफ सफाई रहे। बाबा भाई से 2 मिनट बात करेंगे कि आखिर इस गुस्से की वजह क्या है। तो बाबा, ये गुस्से की वजह क्या है कि आपने जो है कॉर्पोरेशन में आके कचरा डाला है? ये गुस्से की वजह ये है कि आज से 10 दिन पहले मुझे घंटा गाड़ी वाले का फोन आया कि सर हम लोग कल से स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हमारा 6 महीने का पेमेंट नहीं दिया गया। 10 दिन पहले उन्होंने 1 दिन की स्ट्राइक किए थे उन्होंने, ठीक है। मैंने कमिश्नर साहब से फोन किया, कमिश्नर साहब से मैंने खुलासे से बात की कि उनका क्या इश्यू है सर, उनका पेमेंट देना है नहीं देना है वो आपका इश्यू है, हमारा कचरा उठना चाहिए। बोलते बाबा मुझको 1 दिन का टाइम दो, मैं कल मसला हल करता हूँ। उन्होंने मसला हल नहीं किए। मुझे पीर के दिन डबल फोन आया कि सर हमारा अभी तक पेमेंट नहीं मिला 6 महीने का, हम डबल स्ट्राइक पे जाने वाले। मैंने उसी टाइम कमिश्नर साहब को फोन किया, मारुति गायकवाड़ को फोन किया, नूतन खड़े मैडम है उनको फोन किया कि मैडम उनका मसला क्या है मुझे नहीं पता, उन्होंने काम किए नहीं किए, उनका बिल काटना है नहीं काटना है, शहर का कचरा उठना चाहिए। कमिश्नर साहब ने मुझसे कहा बाबा टेंशन मत लो, कल हड़ताल नहीं होगी। कल इत्तेफाक से मैं हलीम भाई के भाई का इंतकाल हुआ, उसके लिए मैं सारा दिन लीलावती में था, तो कल मुझे पता चला कि उनका कल का भी पेमेंट उनको नहीं किए। मैं डबल फोन किया उनको, मारुति गायकवाड़ कहता है मैं छुट्टी पे हूँ, नूतन खड़े कहती है मुझे अभी चार्ज दिया गया है प्रभाग अधिकारी का, मुझे नहीं पता, मैं भी रजे के पर हूँ, कमिश्नर साहब फोन रिसीव नहीं कर रहे। मतलब इस तरीके की हरकत अगर आप कर रहे हो, फॉलो अप करने के बाद भी अगर आप कचरा नहीं उठा रहे हो, 3 दिन के ऊपर ईद है, आप पूरी तरीके से हमारी ईद खराब करने के ऊपर लगे हुए हो। कभी बकरा नहीं कटना चाहिए, कभी ये नहीं कटना चाहिए, पाड़ा नहीं कटना चाहिए, कभी हम सेंटर नहीं देंगे, मतलब आप पूरी तरीके से हमारे त्यौहार की झक मारने के लिए लगे हुए हो। अब आखिरी जो चीज बची थी वो भी आप कर रहे हो कि शहर का कचरा आप नहीं उठा रहे हो। उन लोग उनका कहना है कि उनका बिल गलत बनाए, अरे बिल गलत बनाए सही बनाए वो तुम्हारा मसला है, हमारा मसला नहीं है, हमारे शहर का कचरा उठना चाहिए। काम तो रुकना नहीं चाहिए ना, कम से कम रुकना नहीं चाहिए। इनके पास मैं कहूँ 2 साल पहले 35 करोड़ रुपया शासन का आया है, 4th या 3rd नंबर आया था, सारे शहर में नाचे थे ये लोग, कहाँ है वो 35 करोड़ रुपया? कोई खुलासा नहीं, कुछ नहीं, लेटर दे दे के आदमी थक गया है। पारितोषिक मिला हमें, पारितोषिक मिला 5 महीने से 52 घंटा गाड़ी आके खड़ी है कोंडवारे में, नई घंटा गाड़ी खड़ी है, उसे बाहर नहीं निकाल रहे, क्यों? रिबन काटने के इंतजार है। 52 घंटा गाड़ी आपको कताओ मैं अशोक लेलैंड की खड़ी है, अभी भी जाके आप देखिए नई घंटा गाड़ी खड़ी है, आप उसको निकाल नहीं रहे हो, मतलब ये कौन सी हरकत हो रही है? सुबह नहीं हुई है तो हमारा जीना हराम किए लोगों ने, सारे शहर के निकम्मे से लेके नाकारा से लेके जो लफ्ज है वो नगर सेवक को बोला जाता है। ईद में तो हमको हिजरा भी बनाया गया कि आप हिजरे हो, आपने कुछ नहीं किया, अल्लाह माफ करे, मैं ये सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, भिवंडी के आवाम ने हमें हिजरा बनाया है कि आपने भिवंडी में ईद के लिए जो मनाई की गई आप जिम्मेदार हो, किसी और की जिम्मेदारी हम पे डाली गई, मतलब नगर सेवक सिर्फ गाली सुनने के लिए बनाए। तो ये जो आक्रोश है ये आज इतना डाला हूं, अगर 1 बजे तक मसला हल नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी ट्रक भर के लेके आऊंगा, जो करना है कर सकता है, जिसको जो करना है कर सकता है। बार बार रिमाइंडर करके भी आप उनका नहीं, उनका बिल मत दो, हमको नहीं मतलब है उनसे, कोई हमदर्दी नहीं हमको घंटा गाड़ी वालों से, जेसीबी वालों से, हमारा मंशा एक ही है किसी और से काम कराओ, लेकिन शहर आज शाम में 4 बजे तक साफ चाहिए हमारे को, इसलिए आक्रोश है। तो इसके ऊपर जब आपकी कमिश्नर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया था कल आपको? कल हड़ताल नहीं होगी बाबा टेंशन मत ले, ये मुझे कहा उन्होंने, उसके बावजूद आज कोई नहीं आया? नहीं, 2 दिन से कुछ नहीं किया जा रहा है, तुम्हारा इतना टक्का बिल, अरे कुछ भी करो मत दो पैसा उनको, हमसे कोई मतलब नहीं, हमें उनसे कोई मोहब्बत नहीं है, हमारा एक ही मंशा है शहर का कचरा उठना चाहिए। लात मार के अकाल ने अकालो घंटा गाड़ी वालों काम नहीं कर रहे तो खुद के घंटा गाड़ी है ना वो चालू करो, लेकिन वो नहीं किया जाएगा। ये घंटा गाड़ी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे,
ये जितने घंटा गाड़ी है लगभग 95 घंटा गाड़ी है भिवंडी में, 95 घंटा गाड़ी कॉन्क्रीट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है। कुछ जेसीबीज है, कुछ डंपर्स है जो डेली कचरा भिवंडी शहर का उठाते हैं, और 6 महीने के बाद आप अभी निकाल रहे हो, 6 महीने से उनका पेमेंट नहीं दे रहे हो आप, और अभी आप बोल रहे हो कि बिल गलत बना है, काम अच्छा हुआ है कि नहीं। अरे जो काम हुआ है उसको आप कहां से साबित करोगे, कचरा रोज उठता है। आगे से उनके ऊपर आप जितनी बंदिश लगानी लगाओ ना, कि आज के बाद आपका बिल अगर मैं दूंगा तो इन शर्तों पे मैं आपका बिल दूंगा, काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। इसलिए मेरा आक्रोश है, और अगर आज शाम में 4 बजे तक एरिया साफ नहीं हुआ, एरिया से मतलब पूरा भिवंडी है, अगर ये लोग वापिस नहीं आए तो सारे भिवंडी शहर के लोगों से मैं ये अपील करता हूँ, पूरे के पूरा जितना कचरा है वो ला के इस कॉर्पोरेशन के गेट पे डालना चालू कर दो, थैली में भर के आओ, यहाँ फेंकना चालू कर दो। बहुत शुक्रिया बाबा भाई हमसे बात करने के लिए। तो अगर इसी तरह का व्यवहार और अगर इसी तरह का बर्ताव महानगर पालिका का रहा तो वो दिन दूर नहीं कि महानगर पालिका का गेट और महानगर पालिका जो है कचरे का ढेर दिखाई देगी। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज की तरफ से, थैंक।